मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फर्जी डिग्री मामले में संलिप्त विश्वविद्यालय और इस घोटाले से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों से प्रदेश की छवि को नुकसान नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को फर्जी डिग्री मामले में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य दे रहे थे। प्रदेश के कुछ निजी विश्वविद्यालयों में सामने आए बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीर है और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी डिग्री मामले में सोलन जिला में 3 और ऊना जिला में IPC की विभिन्न धाराओं में 1 मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलन धर्मपुर थाना में हरियाणा के चरखा दादरी की ममता की शिकायत पर मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मामला दर्ज होने के बाद मानव भारती विश्वविद्यालय पर छापेमारी की गई थी और इस दौरान कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए गए। इसके अलावा 305 डिटेल मार्क्स कार्ड और 15 डिग्रियां भी पकड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार मनीष गोयल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा के राजस्थान के माउंट आबू में खोले गए माधव विश्वविद्यालय में भी प्रदेश पुलिस ने तलाशी ली, जहां से 1376 खाली डिग्रियां और 14 खाली मोहरें, 4 डिस्पैच रजिस्टर, 50 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 319 खाली डिटेल मार्क्सशीट, 2 कंप्यूटर, 6 भरी हुई डिग्रियां और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तलाशी के दौरान माउंट आबू से प्राप्त दस्तावेजों से जाहिर होता है कि इस विश्वविद्यालय में काफी समय से जाली डिग्रियां जारी करके विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडस विश्वविद्यालय के खिलाफ आशुतोष नामक व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। इस विश्वविद्यालय पर आरोप है कि इसने अपने 3 कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में नौकरी दी और उनकी हाजिरी भी भरी, साथ ही नियमित छात्राओं के रूप में दाखिला दिलाकर डिग्री प्रदान की गई। यही नहीं, इन डिग्रियों के आधार पर की गई नौकरियों का अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि APG विश्वविद्यालय शिमला के संदर्भ में मिली शिकायत की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा गठित विशेष दल कर रहा है और ठोस सबूत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए 2019 के बाद 2009 से जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश हुई है, कुछ ने उसके बाद ये धंधा शुरू किया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लाना एक वक्त आवश्यकता अनुभव हुई होगी, लेकिन उनको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि ऐसा धंधा यहाँ पर ना चले, ये कमियाँ रही हैं। और हमारी सरकार ने जैसे ये विषय ध्यान में आया है, 2017 में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, उनकी ही गवर्नमेंट के दौरान कंप्लेंट्स आई, उनने क्या कार्रवाई की? उनने तो कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई तो अब हुई है, हमने रेड किया है, बंद किया है, उनके सीज कर दिए सारे कॉम्प्लेक्स को और उसके बाद जो है गिरफ्तारियाँ उसमें हुई है और इसमें कोई नहीं बचने वाला, जो होंगे। ये धंधा वर्षों से चल रहा था, ये धंधे जो कांग्रेस के ज़माने में वर्षों से पनपते रहे, उनके ज़माने में शुरू हुए थे, इनको तमाम को बंद करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।